नमस्कार, वेलकम टू मनोरंजन म्यूजिक। वेलकम टू मनोरंजन म्यूजिक, जहां आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आज बताऊंगा आपको वेस्टर्न एंड इंडियन म्यूजिक का कैसे कॉम्बिनेशन किया जा सकता है और कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर आपके पास पियानो है या कीबोर्ड है, आप पियानो फॉर्मेट में बजाना चाहते हैं, तो आज मैं पियानो फॉर्मेट में कैसे थाट बजाया जा सकता है, मैं आपको उसके ऊपर बात करूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका स्वर सप्तक। स्वर सप्तक में जिसमें 7 स्वर शुद्ध रहते हैं और रेगा धानी कमल मा तीव्र, इसको मिला के टोटल 12 स्वर हो गए। और स्टाफ नोटेशन में इसको कहते हैं ट्रेबल क्लेफ, जिसमें आपका ये जो है सारेगामा पादानिसा, जिसमें अगर मैं कहूं ये, अगर ये सारे के सारे शुद्ध स्वर है, ये आपका सारे के सारे अगर शुद्ध स्वर होगा तो इसका पोजीशन क्या है, देखिए ठीक है, ये है सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो है लेजर लाइन और स्पेस में 1 2 3 4 5, ये स्पेस में क्या होता है डी एफ ए सी ई, ये होता है स्पेस में रहता है, और सी ई जी बी डी एफ ये जो है लाइन पे रहता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको हमेशा याद रखना पड़ता है और याद रखना पड़ेगा। और ये जो है मैं आपको बताऊंगा आज 5 थाट बारे में बताऊंगा, क्योंकि थाट जो है टोटल 10 थाट होते हैं। 10 थाट क्या क्या होता है आपका थाट जो होता है, बिलावल थाट। बिलावल थाट में जो सारे के सारे नोट शुद्ध होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है आपका खमाज आता है, पूर्वी आता है, तोड़ी आता है, मारवा आता है, खमाज आता है, आसावरी आता है, हैं काफी आता है, और भैरव भैरवी, ये टोटल जो है 10 थाट्स होता है। और थाट्स क्या होता है, थाट्स जो होता है बाय नेचर दे आर संपूर्ण संपूर्ण, मतलब 7 असेंडिंग 7 डिसेंडिंग, ठीक है। और द मदर्स ऑफ ऑल रागस इन इंडियन म्यूजिक, ठीक है। तो बगैर थाट में अगर आप राग जा रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है वो कम माना जाएगा, क्योंकि हमेशा राग का जो है आप पूछा जाएगा कि राग कौन सा थाट से आया है, तो थाट और उसके साथ कोर्ड्स, मेजर या माइनर कोर्ड, कौन सा कोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको समझना जरूरी है। तो ये जो है आपका जो नोट पोजीशन है, तो रे कमल गा कमल मा तीव्र और जी शार्प बी फ्लैट या ए शार्प एंड देन नी सा। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमेशा मैं आपको बताया हूं, ये आपका 1 1 1/2 1 1 1/2, ये मैं बताया हूं ऑलमोस्ट। तो उसी हिसाब से मैं बताया, रिक्वेस्ट भी किया था आपको हर एक स्केल में सारेगामा पादानिसा प्रैक्टिस करने का है इसी फॉर्मूला के तहत, 1 1/2 1 1 1/2, मतलब हर एक स्केल में बिलावल थाट प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उसके बाद जो है थाट की बात आता है, पहले बार थाट में आज बताऊंगा बिलावल थाट में क्या क्या आपका ये किया जा सकता है, आपका क्या क्या कोड, ये जैसे कि बिलावल में क्या होता है, बिलावल में आता है कोर्स, ये कोर्ड जो है लेफ्ट हैंड में बजाया जाता है, लेफ्ट हैंड में कोर्ड, राइट हैंड में नोट। तो सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ और सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये एफ है, एफ मेजर और जी मेजर, ए माइनर और बी हाफ डिमिनिशिंग और देन सी मेजर। ये डिमिनिशिंग क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है आपका, क्योंकि आप जब यहां पे आ जाएंगे, ये नी रे और आपका गा, नी रे गा, तो इसको क्या कहेंगे, हाफ डिमिनिशिंग, ठीक है, हाफ डिमिनिशिंग। तो इसी हिसाब से ये लेफ्ट हैंड में कोड रहेगा और
आप बजाएंगे। कोड का फॉर्मूला आपको पता होगा, कोड का फॉर्मूला है 1 3 5 और जो 3 मतलब 1 3 5 मतलब सा गा पा और गा या 3 थर्ड, दैट इज डिसाइड्स वेदर इट इज मेजर और माइनर। हाफ नोट डाउन रहेगा तो वो माइनर रहेगा और नेचुरल रहेगा तो वो मेजर रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, आप जो देख रहे हैं आप उसको नोट में लिख लीजिए। सेकेंड बिलावल की बात आएगा, यमन, यमन को कल्याण थाट भी, कल्याण राग कहते हैं, यमन थाट कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो होता है उसका कोड भी अलग रहेगा, कोड क्या होगा देखिए, ठीक है। अब यह क्या रहेगा, यमन, यमन, यमन में अभी क्या होगा, मा तीव्र, सी डी ई एफ, एफ मतलब मा, तीव्र मतलब सार, एफ सार, राइट, एफ सार, अभी ये सारे के सारे शुद्ध रहेंगे, ठीक है ना, एफ सार मतलब मा तीव्र, ठीक है। अब इसका कोड का जो फॉर्मूला है ये अलग हो जाएगा, यमन थाट, सी मेजर मतलब सी मेजर इधर रहेगा तो इधर भी सी मेजर, राइट, फिर बी मेजर, ई माइनर, एफ शार्प माइनर, फिर जी मेजर, ए मेजर, बी माइनर, ठीक है। ये और एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो है सारे के सारे ये ट्रेबल क्लैप सी स्केल, ये सी स्केल से किया जा रहा है ट्रेबल क्लैप मतलब मिडिल सी, ये मिडिल सी, ये सी स्केल से हम ये शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये सी जो लेजर लाइन सी से ही शुरू हुआ है, ठीक है, राइट। तो यमन, ये यमन थाट हो गया, यमन थाट, तो उसी हिसाब से इसका कोड जो है ऐसे रहेगा। नेक्स्ट यमन की बात अब आपको मैं बताऊंगा, खमाज, खमाज, तो उसका कोड का जो फॉर्मूला है वो भी अलग रहेगा, राइट, उसका जो कोड का फॉर्मूला वो अलग रहेगा, राइट। अब क्या किया जाए, अब खमास, खमास, खमास में क्या होता है, खमास में सिर्फ नी कमल होता है, बी फ्लैट या नी कमल, राइट। तो इसमें ये आपका जो है नी कमल भी, तो सारे गामा पादा नी सा, ये नी रहे, नहीं रहेगा। तो उसी हिसाब से इसका जो पोजीशन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका कॉर्ड, कॉर्ड क्या रहेगा खमाज में, सी मेजर, फिर डी माइनर, फिर ई माइनर, फिर एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, बी फ्लैट मेजर और आपका सी मेजर, ठीक है। सी मेजर जो शुरू से होगा वो लास्ट में आखिर में वही होगा, तो उसी हिसाब से ये आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिखिए और उसी हिसाब से लेफ्ट हैंड में ये प्रैक्टिस रहेगा, राइट हैंड में ये प्रैक्टिस रहेगा। ये जो है आपकी समझने के लिए खमास, कोर्स, नोटेशन और ये जो पोजीशन स्टाफ में। अब खमाज गया, खमाज के बाद क्या आएगा, काफी, काफी, काफी में क्या होता है, काफी में कोड का जो पोजीशन वो अलग रहता है। काफी में क्या होता है, काफी, काफी मतलब गा, गा कमल रहेगा और नी कमल रहेगा, राइट, और सारे के सारे शुद्ध रहेगा। इसको क्या कहेंगे आपका, काफी, काफी, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और काफी में क्या है, ये गा कमल और मतलब गा कमल और नी कमल, ठीक है ना, इसका पोजीशन समझ गए।
और इसका पोजीशन जो है स्टॉप नोटेशन में ये रहेगा, और ये जो है आपका कॉर्ड, कॉर्ड में क्या रहेगा, काफी में, काफी में सी मेजर, सी मेजर मतलब यहाँ पे भी सी मेजर रहेगा, और डी माइनर, ई फ्लैट मेजर, ठीक है, और एफ मेजर, एफ मेजर, जी माइनर, जी माइनर, ए माइनर और बी फ्लैट मेजर क्यों रहेगा, क्योंकि ई, ई फ्लैट है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो है आप लिख लीजिए कोर्स काफी, और उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूं काफी के बाद क्या है, काफी, काफी बार आशावरी, 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 ये गा धा नी कमल, ए फ्लैट बी फ्लैट, गा धा नी कमल मतलब स रे ग म प ध नी स, नी कमल धा कमल। और तो अभी उसी हिसाब से आपका ये जो है स्टाफ नोटेशन में भी इसका पोजीशन आप देख लीजिए आशावरी। अब जो मैं आपको बताऊंगा इसका कॉर्ड कैसे होगा, ये फिफ्थ, आपका फिफ्थ थाट मतलब पांच थाट, ये सी डी ई एफ जी ए बी सी, राइट। तो इसमें क्या होगा आशावरी में, सी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, डी डी सब या ई फ्लैट, आपका मेजर, एफ माइनर, जी माइनर, ए फ्लैट मेजर, बी फ्लैट मेजर, और ये जैसे सी माइनर, ऐसे आखिर में भी सी माइनर, ये सी माइनर, ठीक है दोस्तों। तो इसी हिसाब से आप, आशा करता हूं आप इसको कॉपी में लिखेंगे। तो ये आज के लिए मैं आपको पांच थाट बताया, क्या बिलावल, यमन, खमास, काफी और आशावरी। आगे क्या रहेगा, भैरव, भैरवी, तोड़ी, पूर्वी, मारवा, ये पांच थाट में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये जो है आप इसको गिटार में या आप कीबोर्ड में या आपका पियानो में भी आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूं आपका ये जो कोड आप सा गा पा, ठीक है ना, सा गा पा सा, चार लेके मतलब फोर फोर नोट लेके प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा लगेगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये नोटेशन, ठीक है ना। ये आप करेंगे आपको लगेगा कैसे, तो मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉलेज इन म्यूजिक, ठीक है। और मेरे को बोलिएगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन में आप क्लिक कीजिए ताकि मेरा वीडियो का हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए ताकि मेरे को समझ में आए। और मैं आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये मेरा जो है तजुर्बा, इसके कोड के ऊपर बहुत सारी चीज मैंने ढूंढा, रिसर्च किया ताकि मेरे को मिला। और कोड का जो है निशान कैसे किया जाता है स्टाफ नोटेशन में नेक्स्ट क्लास को बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं ये फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लेफ्ट साइड में कोड नोटेशन, कोड नोटेशन, ये ताकि क्या है कि आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप दादरा में कीजिए या करवा भी कीजिए, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा आप पहले करवा में कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नमस्कार, जय हिंद।